हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे होंगे जैसा कि आप सबको पता ही हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें देखिए हम लोग अपना यूनिट वन टू थ्री और फोर कंप्लीट कर चुके हैं आज हम बेसिकली कुछ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे मतलब कुछ ऐसे इम्पोटेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारी यूनिट वन टू थ्री फोर में कवर नहीं हो पाते हैं उनको हम लोग देखेंगे उनके मतलब को जानेंगे कि वो क्या होते हैं और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछ सकते हैं हो सकता है फोर मार्क्स में थ्री मार्क्स में फ़ाइव मार्क्स के क्वेश्चन में आपके ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए आप ये सारे टॉपिक पढ़ ली तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट अंडर पर्सनल मैनेजमेंट दे आर बेसिकली टू पार्टीज इंप्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स जब पर्सनल मैनेजमेंट की बात होती है तो उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं एक हमारी वर्कर्स एक हमारे इंप्लॉयर्स जो हमारी मैनेजमेंट है ठीक है लेकिन जब आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात होती है तो उसमें फोर इंपॉर्टेंट पार्टीज इन्वॉल्व होती है हमारी इंप्लॉयज़ इम्प्लॉयर्स ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट उसमें इम्प्लॉयज़ और इंप्लॉयर्स तो होते हैं उनके साथ ट्रेड यूनियन भी होता है मतलब जो इंप्लॉयज़ का ट्रेड यूनियन होता है वो और हमारी सरकार यानी हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है तो पर्सनल मैनेजमेंट में कितने लोग होते हैं दो लोग और इंडस्ट्रियल रिलेशन में कितने लोग होते हैं चार लोग ठीक है नेक्स्ट है आपका दीज आर कंसर्न विद फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्रोसीजर एंड प्रोग्राम फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड इट्स प्री पर इम्प्लीमेंट प्रॉपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ठीक है इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर प्रोग्राम बना देना और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या एम होता है इट एम टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल रिलेशन बाई प्रोवाइडिंग ऑल दोज फैसिलिटी एंड बेनिफिट फॉर विच इम्प्लॉइज़ आर लीगली एंटाइटल्ड ठीक है लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन का बेसिकली एम होता है कि एम्प्लॉयज़ को वो सारे अधिकार वो सारे हक देना जिनके लिए वो लीगली एंटाइटल हैं जिनके वो अधिकारी हैं वो सारा हक़ उनको देना पर्सनल मैनेजमेंट में नेक्स्ट हमारा है टू रिव्यू एंड रिवाइज द पर्सनल पॉलिसीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से जो भी चीज़ें आती हैं उसको समय समय पे रिव्यू करते रहना रिवाइज़ करते रहना इसमें क्या होता है टू इंश्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू द पॉसिबल एक्सटेंट लेकिन इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम से कम किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में शांति बनाए रखने की कोशिश की जाती है नेक्स्ट पॉइंट है टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर स्टेब्लाइजिंग अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन इम्प्लॉयज़ एंड देयर बॉसेज यहाँ पे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं किसी कोई भी इम्प्लॉयज़ अपने डायरेक्ट बॉस से टू कैरी द इंप्लॉयज़ अप्रोच टू द टॉप मैनेजमेंट थ्रू ओपन डोर पॉलिसी यहाँ क्या होता है इसका पर्सनल मैनेजमेंट में आप इम्प्लॉयज़ जो होता है अपने डायरेक्ट बॉस से बात कर सकता है लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन में यहाँ ओपन डोर पॉलिसी अपनाई जाती है जहाँ जो भी इम्प्लॉयज़ होता है वो डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकता है ठीक है और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव ग्रीवान्स एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर टू द एम्प्लॉयज़ एक एम्प्लॉयज़ को अगर कोई भी ग्रीवान्स होता है तो उसके लिए पूरा इफेक्टिव तरीके से ग्रीवान्स प्रोसीजर प्रोवाइड कराया जाता है लेकिन यहाँ क्या होता है टू इंश्योर एन इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी सेटअप लेकिन यहाँ क्या होती है एक कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी सेटअप होता है जो कि किसी भी वर्कर्स के ग्रीवान्स को सॉल्व कराता है होप आपको डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन में समझ में आया होगा फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है थैंक यू